हम तो कहेंगे कन्नौज से भी लड़े। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पॉलिटिकल पार्टी जिनका स्टेक इसमें लगा हुआ है उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। लिया जा दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व यहां पर आए दिन रैलियां कर रहा और किसी तरीके से ये समीकरण बनाने में जुटा है कि इस बार जहां बीजेपी सत्ता में है यानी मध्य प्रदेश, सत्ता हाथ से जाने न पाए और जहां उसे कांग्रेस से सत्ता छीननी है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, हर हाल में सत्ता हासिल कर ले। यही चुनौती कांग्रेस के सामने है कि इन दोनों राज्यों से सत्ता जाने ना पाए और मध्य प्रदेश की सत्ता हाथ में आ जाए। लेकिन सिर्फ विधानसभा चुनाव की ही बात नहीं है, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अभी से होने लगी है। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे हुए थे, जहां पर कि जमीनी विवाद में 6 लोग की जान चली गई थी जिसमें से एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं और सत्य प्रकाश दुबे समेत 5 लोगों की जान ले ली गई थी। शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं, कभी 36 का आंकड़ा था, आज चाचा भतीजा 1 है। मैनपुरी के चुनाव से एका हुआ था और वो एका आगे तक चल रहा है। तो शिवपाल यादव आज पहुंचे थे कन्नौज। कन्नौज में उन्होंने कहा कि देखिए, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि वो कन्नौज से चुनाव लड़े। सुनिए जरा चाचा शिवपाल क्या कह रहे हैं। क्या माना जाए कन्नौज से अखिलेश जी का? वैसे तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से चाहे तहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मैं तो समझते हैं, हम तो समझते हैं, हम तो कहेंगे कन्नौज से भी लड़ें। चाचा जी की क्या इच्छा है, चाचा की राय क्या है कन्नौज से चुनाव लड़ें? हमारी तो इच्छा है लड़ें कन्नौज से। हाँ, और हम प्रचार भी करेंगे, हम अभी से प्रचार कर देंगे नवंबर से। जी बिल्कुल। देखिए, ये बुलडोजर जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। मान लीजिए किसी पर कोई गलत काम किया है, किसी ने जुल्म किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए है? अगर मान लीजिए आपने अगर जुल्म किया है तो आपके घर वालों पर अगर कोई कार्रवाई करे तो गलत है कि नहीं? तो ये सरकार तो यही तो कर रही है। तो शिवपाल यादव चाहते हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े। दरअसल डिंपल यादव लड़ती थी, चुनाव हार गई थी, फिर जब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो उन्होंने मैनपुरी से चुनाव लड़ा, उनकी विरासत संभाली, वो चुनाव जीत गई। और अब सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो INDIA गठबंधन बना है और उसमें और जो बीजेपी और उसका गठबंधन NDA है उसी में लड़ाई होनी है। तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी 2019 के चुनाव में बसपा के साथ मिलकर के लड़ी थी। बसपा को 10 लोकसभा की सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5। बाद में उपचुनाव में उसमें से आजमगढ़ सीट निकल गई थी, एक और सीट निकल गई थी और मैनपुरी बचाने में वो कामयाब हो गए थे। तो उनके सामने चुनौती क्या है सबसे बड़ा, कि कैसे सीटों को बढ़ाएं। सीट कैसे बढ़ेगा यदि गठबंधन में आप चुनाव लड़ते हैं तो? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे कैसे? जो आपकी कभी सीटें रही हैं वहाँ पे यदि चाचा भतीजा एक होकर के लड़ेंगे, जो आपके प्रभाव वाले बेल्ट है, एटा इटावा के आसपास जो भी है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसमें फिरोजाबाद भी शामिल है, कन्नौज भी शामिल है, मैनपुरी तो है ही है। तो ये शिवपाल यादव ने सुझाव दे दिया है। बताया ही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब की बार एक एक सीट पर फूंक फूंक करके कदम रख रही है और जरा सा भी लगता है कि यहाँ पे ये कैंडिडेट कमजोर होगा तो मजबूत कैंडिडेट उतारने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव तो ऑलरेडी विधायक हैं ही, लेकिन उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है कि चाचा शिवपाल भी लड़े और भी नेता लड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हाथ लगे। यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका लगता है तो फिर दिल्ली का रास्ता दूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो किसी को दिल्ली तक पहुंचा सकता है और जो दिल्ली से पहुंचने से रोक सकता है। इसीलिए शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को दिया है कन्नौज का प्रस्ताव। ये कुछ ऐसी सीटें हैं मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, आसपास के जो भी इनका इटावा वाला है जहाँ पे कि इन लोगों का प्रभाव है।
और जीतते भी रहे हैं, बीच बीच में हारे हैं, जीतते रहे हैं, तो देखते हैं अखिलेश यादव कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। यदि लड़ते हैं तो चाचा ने प्रस्ताव दे दिया है। रायन बेकबर, देखते रहिए।